किसान की थ्रेसर चोरी को हुए महज 6 माह पुलिस कर रही गुमराह। भूख हड़ताल पर बैठे परिजन। विगत 6 माह पूर्व उदय सिंह ढाकर निवासी टोडा की 29 फरवरी 2024 को ग्राम टोडा से थ्रेसर चोरी हुई, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने बैरार थाने में दर्ज कराई थी, परंतु इतने दिन से पुलिस फरियादी को गुमराह करती आ रही है। फरियादी ने सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करा दिए थे, जिसमें थ्रेसर को ले जाता हुआ स्वराज ट्रैक्टर से एक आदमी नजर आ रहा था। थ्रेसर की कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है, परंतु आज तक पुलिस न चोर को पकड़ पाई है। परिजनों का कहना है कि फरियादी होते हुए भी पुलिस को पैसे दे चुके हैं। बैरार थाने पर चाहे अपराधी हो, फरियादी किसी को नहीं बख्शा जाता है। परेशान परिजनों ने आज बैरार थाने के आगे टेंट लगाकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बैरार से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम बाबू जी बारेलाल है। कौन हो आप? ग्राम उपरपंच। सरपंच? सरपंच। उपर सरपंच। कौन से गाँव से? टोड़ा से। तो क्यों भूखड़ ताल में बैठे? भूखड़ ताल बाबू जी इसलिए बैठे, 63 चली गई, 6 महीना तो कोई सुनवाई नहीं है। क्या न्याय व्यवस्था है यहाँ? न्याय व्यवस्था जाइए कभी तो अपराधी आया, अपराधी आया रबड़ा चढ़ाना चाहिए, मैंने तो गड्डी दोनों ने पे दे वो भगा देते हैं ये व्यवस्था। मेरा नाम उदय सिंह ढाकर है। कौन से गाँव से हो? टोड़ा थे। आप ये समस्त ग्राम वाले ये भूखड़ ताल पर थाने के आगे बैठे हो, क्या कारण है? सर हमारी एक मशीन चोरी चली गई। कब? ये गए 6-7 महीने आ गए। 6-7 महीने हो गए। हाँ तो फिर आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? रिपोर्ट कराई है। हाँ क्या हुआ उसके बाद? ये कह रहे पुलिस वाले का ढूंढ रहे हैं। हाँ। बोले और पैसे भी ले ले और आज तक कोई सुनवाई नहीं सुनी। अच्छा, तुमने फरियादी होते हुए पैसे भी दिए थे? हाँ पैसे दे दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। उसकी कीमत कितनी है मशीन की? कीमत है 3-3.5 लाख रुपया की है। तो मैं क्या लगता है यहाँ की पुलिस कैसी व्यवस्था है यहाँ की? यहाँ की पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही हमारी। अच्छा। हाँ क्या स्थिति है यहाँ थाने की? बहुत खराब स्थिति है हमारे यहाँ थाने की। अच्छा। हाँ तो ये भूखड़ ताल कब तक चलेगी आपकी? जब तक हमारी मशीन वापस नहीं आएगी, जब तक हम यहाँ चाहे मर जाएं यहीं रहेंगे। तो कितने दिनों से परेशान हो रहे हो आप? मैं तो बहुत दिनों से बुला लेते हैं, वो ऐसे कहते बोले ढूंढ रहे हैं बस ये कहते रहते हैं वो साहब। हम क्या बाबा, क्या नाम है अपना? मेरा नाम माखन सिंह, माखन बाबा है, गैतोली। तो आप जो भूगड़ ताल पर क्यों बैठे? हम तो गरीबों की मदद करते हैं इसलिए बैठे हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं सदा। तो न्याय व्यवस्था आपको कैसी लगती है? थाने की क्या व्यवस्था है? क्या है? कोई व्यवस्थाएं नहीं है आजकल, प्रशासन बहुत ढीला है। हाँ। यानी कि जो कटर गई है तो ये बहुत परेशान हो गए, गरीब लोग हैं जी। तो पुलिस वाले इनकी नाम को रोदा नहीं उठा रहे। मैं भी मिले आया हूँ अधिकारियों से, आवेदन कलेक्टर को दिया, मैं मुख्यमंत्री के अभी भोपाल गया था 8 तारीख को, मैं हाल ही वापस आया हूँ, मुख्यमंत्री को भी मैंने आवेदन दिया है भोपाल में, और आईजी को भी दिया है मैंने स्वयं जा कर के, आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। इसलिए हम भूख हड़ताल पर मैं स्वयं बैठ रहा हूँ, जब तक मेरे प्राण चले जाएं, जब तक कठिन नहीं आएगी तब तक ये बाबा उठने वाला नहीं।